मसीह की दोस्तों आज के स्वर्गीय का भाग हमने लिया है पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और उसका पंद्रवा वचन वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर तूने हमारे अंदर भलाई का बीज बोया है इसके लिए धन्यवाद वो वचन जो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ धरती पर आया वो बीज वो वचन हमारे अंदर बसता है मसीह धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी इच्छा है कि वो भलाई का बीज हमें प्रकट हो हमारे अंदर वो प्रकट हो हमारे अंदर हमारे व्यवहार से हमारी बातों से हमारे चलने से हमारे उठने से हमारे बैठने से यीशु मसीह हमें दिखे लोगों को हमारा पिता हमारा माँ हमारे बाप हमारे हमारे कितने भी दोस्त जो नहीं जानते यीशु मसीह को हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे बोलने से हमारे कार्य करने से वो हमें हम दिखे इसलिए फीस दो का दस कहता है कि हम उसके हाथों की कारीगरी हैं और हम यीशु मसीह में भले कार्यों के लिए ही सजे गए हैं परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमारे अंदर इसलिए है कि उसका भला कार्य दिखे परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसके भले कार्यों को अपने द्वारा जगत में प्रदर्शित करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए तो कहता है कि अगर तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला अगर तेरा शत्रु प्यासा हो तो उसे पानी पिला ऐसा करने से तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और तब वो जानेगा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि बुराई से मत हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो दोस्तों ईशु मसीह ने रहकर बताया कि परमेश्वर कौन है पिता कौन है उसका प्यार क्या है उसका त्याग क्या है यशु मसीह के कार्यों से हमने जाना कि पिता कौन है हर पल उसने बताया कि मेरा पिता मुझसे जो मैंने पिता के अंदर देखा है वही किया है यीशु मसीह ने चंगाई दी यशु मसीह ने कोरियों को शुद्ध किया शैतानों को उनमें से निकाल दिया चंगाई दी दि, सुख दिया आशीष दिया उपदेश दिया लेकिन वही लोग वही लोग यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए और अंत में उन्हीं लोगों ने कहा कि इस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ वो शत्रु हो गए यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए यीशु मसीह के लेकिन यीशु मसीह ने उस भलाई को नहीं छोड़ा यीशु मसीह के अंदर जो भलाई का बीज था जो परमेश्वर का वचन था वो स्थिर इस था इसलिए क्रूस पर उन्होंने कहा कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ करो ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते अज्ञानता है और उस अपनी भलाई से उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया थॉमा यीशु मसीह का चुना हुआ सेवक था थॉमा ने देखा था यीशु मसीह को कार्य करते हुए थॉमा ने देखा था यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए थॉमा ने देखा था कि पांच हजार लोगों को खाना खिलाते हुए थॉमा ने देखा था कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी बहनों को कान दिए लेकिन फिर भी यीशु मसीह के प्रोत्थान के वक्त जब यीशु मसीह जिंदा हुए यीशु ने विश्वास नहीं किया ने कहा नहीं जब तक मैं उनके घावों में उनके घावों में छेद उस छेद में जब तक मैं उंगली ना डाल लू जब उस पसली में जब तक अपना हाथ ना डाल लू तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वही यीशु मसीह हैं मेरे बहन भाई परमेश्वर का बीज भलाई का बीज मेरे यीशु के अंदर हमेशा है वो उस समय स्वर्ग और धरती का अधिकार प्राप्त कर चुके थे लेकिन फिर भी यीशु मसीह खुद थामा के सामने प्रकट हुए और उस भलाई का व्यवहार करते हुए उन्होंने थौमा से कहा थौमा अपना अविश्वास दूर कर और मेरे घावों में मेरे हाथों में उस छेद में उंगली डाल और अपने विश्वास को बढ़ा मेरी पसली में अपना हाथ डाल और अपने विश्वास को बढ़ा थ ने जब ये देखा ने जब उनकी भलाई को देखा थोमा ने उस भलाई उस भलाई के आगे वो नतमस्तक हो गया, और वही थोमा पहली बार बोला कि हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर तू महान है हे पता परमेश्वर हम उस परमेश्वर के संतान हैं जिसके अंदर भलाई है जिसने हमें भलाई का बीज दिया है इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए अपने सुनने वालों के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे इसलिए आशीष मांगते हैं सुनने वालों के लिए भलाई की भलाई का बीज उनके अंदर बना रहे इसलिए तेरी कामना करते हैं प्रार्थना करते हैं ईशु मजी के नाम से मांगते हैं